चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार कल दोपहर 3 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह और जेएमएम विधायक बसंत सोरेन बन सकते हैं डिप्टी सीएम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन। दोपहर 3 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, जेएमएम विधायक बसंत सोरेन इस दौरान बन सकते हैं डिप्टी सीएम। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर बने हुए हैं। राजेश, देखिए जब चंपई सोरेन की बात की जाए, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तब भी ये नाम आगे आया था कि डिप्टी सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन के भाई शपथ ले सकते हैं। और अब एक बार फिर जब विस्तार होने जा रहा है तब एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि हेमंत सोरेन के भाई डिप्टी सीएम का पदभार संभाल सकते हैं। देखिए अंकुर, इसकी संभावना बहुत ही प्रबल है, इसलिए कि अगर पूरे सरकार को आप देखें तो हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया थे और हेमंत सोरेन के जो पिता हैं शिबू सोरेन वो पार्टी के सुप्रीमो हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस पूरे राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है और कद्दावर पार्टी मानी जाती है। हेमंत के जेल जाने के बाद अगर उसके परिवार में देखें तो बसंत सोरेन जो कि छोटा बेटा है दुमका से रिप्रेजेंट करते हैं और हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, तो उनको यहाँ पर जगह इसलिए मिल सकता है क्योंकि सोरेन परिवार का अपना एक प्रवक्ता है, उनका अपना एक पार्टी के अंदर में एक बड़ा वजूद है। तो आज बसंत सोरेन को डिप्टी सोरेन दिया जाएगा, कपट देने की कवायद चल रही है। हालांकि जो फाइनल फैसला है वो चंपई सोरेन को लेना है, लेकिन बहुत ही संभावना प्रबल होती जा रही है कि उनको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा और उनके पोर्टफोलियो भी काफी मजबूत होंगे, होम जैसे डिपार्टमेंट उनके पास जा सकते हैं। देखिए इसी परिवार में सीता सोरेन है जो की बड़ी भाभी है बसंत सोरेन की, हेमंत सोरेन की, और वो जामा से लगातार तीसरी विधायक हैं तो उनके भी चर्चा है। और चूंकि अगर हेमंत कैबिनेट की बात करें तो कुल 12 मंत्री यहाँ बनना है जिसमें कि एक मंत्रालय वो पद खाली था जो कि हेमंत सोरेन के पास था वो पोर्टफोलियो, तो उस पोर्टफोलियो के लेकर थोड़ा माथापच्ची है कि क्या सीता सोरेन को जगह मिल सकता है क्योंकि वो उसके लिए प्रबल दावेदार है। लेकिन चूंकि बसंत सोरेन जो उन्हीं परिवार के रहकर उनको डिप्टी सीएम का पद मिलता है तो सीता सोरेन को फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल राजेश, सीता सोरेन का आपने जिक्र किया और मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि कल्पना सोरेन का जब नाम आगे किया जा रहा था जो कि सीएम सोरेन की वाइफ भी है, तब ये कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल सकती है। ऐसे में जब भाई को आगे किया जाएगा तब क्या किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह सामने आ सकती है, क्या इसके कोई चांस बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए वो तो बिल्कुल आपने सही कहा अंकुर, परिवार के अंदर में इस बात को लेकर लगातार अंदर में बहस हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और सीता सोरेन का ये कहना है कि उन्होंने परिवार के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और अभी चूंकि वो बेवा भी हैं और 3 बार से वो विधायक हैं तो ऐसे में पार्टी में उनका हक बनता है और उनको मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि बसंत सोरेन है भाई हैं हेमंत सोरेन के और पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन परिवार में उनका जो कद है वो काफी कद्दावर कद माना जाता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही विवेचना कर रहा है कि सीता सोरेन को किस तरह से मना पाएंगे। बसंत सोरेन की चर्चाएं जरूर चल रही हैं, प्रबल उम्मीदवार भी हैं, लेकिन सीता सोरेन एक बड़ा रुकावट है। तो सीता सोरेन को गुरुजी किस तरह से समझाते हैं इस पर सबकी निगाहें हैं और जो देरी हुई है देरी के पीछे भी यही वजह माना जा रहा है कि परिवार में सीता सोरेन और बसंत सोरेन में एक मंत्रालय पद को लेकर अंदर परिवार के अंदर में थोड़ा किस जारी। बिल्कुल, यानी अब देखने वाली बात होगी कि इस जद्दोजहद में जेएमएम कितनी कामयाब होती दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।